हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटॉप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी के एक नए प्रोग्राम के बारे में, जो ये कहता है कि अगर हमें किसी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो हम कैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टोरियल पहले होता क्या है ये देखें। सपोज कीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है उस नंबर से लेके 1 तक आप हर बार उस नंबर को उसी से क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और जो भी वैल्यू फाइनली आएगी वही होगा आपका क्या फैक्टोरियल। मतलब सपोज कीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना था तो 5 से लेके 1 तक सारे नंबर्स को मैं आपस में क्या करते चला जाऊंगा, मल्टीप्लाई करते चला जाऊंगा और फाइनली जो आपको मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा, जैसे 5 4 20, 3 60, 2 120, यानी कि ये आपका जो 120 है यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम का एज यूजर हमारा पहला लाइन क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, ताकि हम प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन क्या कर सके, यूज कर सके। दूसरी लाइन हमारा इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है और मेन नाम का फंक्शन है। इसमें मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप एक आई रखता हूं और आई वो वैल्यू है जिसका हमें क्या निकालना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। यहां स्क्रीन पे मैं प्रिंट करता हूं printf/n एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, यानी कि वो नंबर दीजिए जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है। अब जब यूजर ये देखेगा स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली बात है कोई नंबर देगा, उस नंबर को हम कहां रीड कर लेंगे, स्कैनर्स %d क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और एड्रेस ऑफ किस पे रीड कर लेंगे हम, उसको आई में रीड कर लेंगे। अब हमारा लॉजिक का सेक्शन शुरू होता है, इसमें हम लॉजिक निकालने के लिए हम एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको 1 पे सेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्यों 1 पे सेट करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए हम हमेशा किसी भी वेरिएबल को 1 पे इसलिए सेट करते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमारा लॉजिक क्या है, देखिए अगर हमें 5 था तो 5 से लेकर कहां तक जाना था, 1 तक जाना था ना, तो इस 5 को सपोज कीजिए हमने किस में स्टोर किया है, इस इंस्टेंस के लिए आई में स्टोर किया है, तो हमारा लॉजिक क्या होगा, जब तक 5 यहां पे क्या है, अगर 5 को और 1 को कंपेयर करें तो हमारा जो लॉजिक निकलेगा वो ही निकलेगा जब तक कि i की वैल्यू या तो बड़ी है या तो बराबर है किसके, 1 के। यहां पे हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि i क्या हो, 0 से जब तक क्या हो, बड़ा हो, तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए दोनों चीजें क्या है, सेम है। इस इंस्टेंस में हम ये लेके चलते हैं कि i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप i इज ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते थे। तब तक क्या करते हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, और आई की वैल्यू को हर बार 1 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस मतलब 1 से डिक्रीज कर देते हैं, और जब ये लूप फाइनली टर्मिनेट होगा उस समय फैक्टोरियल में हमारी वैल्यू होगी, तो हम यहां क्या प्रिंट कर देंगे, printf/n फैक्टोरियल इक्वल टू %d, और उसकी वैल्यू हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं, हम फैक्टोरियल की वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं, यहां कर देंगे रिटर्न 0, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली क्या वो टर्मिनेट हुआ और ये हमारा मेन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स मैं लिखता हूँ इसलिए मैं सेमीकोलन देना भूल जाता हूँ, तो अगर किसी वीडियो में अगर आपको सेमीकोलन यहाँ मिसिंग है तो आप खुद से उसे दे देंगे। फिलहाल हम यहाँ ये देखते हैं कि इसकी ड्राइविंग क्या होगी, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो ड्राइविंग चलिए यहाँ पे हम यहीं पे ड्राइविंग कर लेते हैं, ये हमारा ड्राइविंग सेक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम सेक्शन हो गया। अब ड्राइविंग सेक्शन में क्या करना है, वही चीजें स्टेटमेंट्स को 1 by 1 आपको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आप एक आई नाम का वेरिएबल मानते हैं, ठीक है, और एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फैक्टोरियल को तो आप 1 पे सेट कर देते हैं लेकिन आई को सेट नहीं करते, क्योंकि आई की वैल्यू आप यहां से पूछते हैं कि एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, और जो भी नंबर उसने दिया आपने उसको आई में स्टोर कर लिया। मान लीजिए यूजर ने क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप चेक करते हैं कि देखिए यहाँ पे स्कैन करने के बाद अब यहाँ से लॉजिक शुरू हो गया, ये हमारा है कैसे हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ चेक करता है कि क्या आई बड़ा है या बराबर है 1 के, तो 5 क्या बड़ा है 1 से, बिल्कुल है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, यानी हमारा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई। तो फैक्टोरियल में देखिए कितना वैल्यू है, 1 है, और मल्टीप्लाई बाय आई में कितना वैल्यू है, 5 है, तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5, यानी फैक्टोरियल की वैल्यू चाहे जो भी थी अब अपडेट हो गई और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में कहता है आई माइनस माइनस, यानी आई की वैल्यू जो 5 थी वो 5 से क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब ये लूप है, लूप का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये फिर से ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेगा कि आई की वैल्यू बड़ी है 1 से, 4 बड़ा है 1 से, बिल्कुल ट्रू है, सही है। फिर से एंट्री किया, फिर से ये एग्जीक्यूट किया फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल इंटू आई। तो देखिए फैक्टोरियल में कितना चुका है, 5 है ना, इंटू आई, आई में कितना चुका है, 4, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20। इस बार जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
फिर अगले लाइन में आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू 4 से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ये लूप है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू जो है बड़ी है 1 से, 3 जो है वो बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है। जैसे ही ट्रू हुआ फिर से इसके बॉडी के में एंटर किया और फिर से एग्जीक्यूट हो गया फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, यानी ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई। तो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो चुकी है 20 हो चुकी है, इनटू आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, तो 23 कितनी हो गई है 60 वैल्यू हो गई। तो फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट हो गई, जो पहले 20 थी अब क्या हो गई 60 हो गई। और फिर से आई माइनस माइनस, तो आई जो 3 था 3 से क्या हो गया 2 हो गया। अब ये फिर से ऊपर गया, चेक किया 2 जो है वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल है। फिर से एंट्री किया फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, तो फिर से ये स्टेटमेंट एक्सीक्यूट हो रहा है। फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 60 और इनटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 62 जो कितना हो गया 120। आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी अब 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर से ये ऊपर जाएगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन 1 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है, अभी भी चलेगा। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, तो फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू थी, तो करंट वैल्यू कितनी आ चुकी थी यहां पे 120 आ चुकी थी, तो यहां क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 120 इनटू 1 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और आई को जब माइनस माइनस करेगा तो आई 1 से क्या हो गया 0 हो गया। अब ये जब ऊपर जाएगा चेक करेगा कि क्या 0 जो है वो 1 से बड़ा है, फॉल्स। 0 जो है 1 के इक्वल है, फॉल्स। दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो जैसे ही फॉल्स हो गया यहां से यहां तक का एग्जीक्यूशन क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। यहां पे आपको मैसेज देगा फैक्टोरियल इक्वल टू, बिल्कुल ऐसा ही मैसेज आएगा, मतलब आपका आउटपुट क्या आएगा, तो आपका ये आउटपुट आएगा लिखा हुआ आएगा फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है। और इस परसेंट डी की वैल्यू फैक्ट से ले लेगा, फैक्ट में कितना है 120, तो आपको क्या प्रिंट कर देगा 120 क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। मतलब क्या हुआ कि हम जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहें, जो भी नंबर यहां आई में हमें यूजर देगा, उसमें चाहे वो कोई भी नंबर हो 5 हो 10 हो, सबका हम फैक्टोरियल बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम जो किसी भी दिए गए नंबर का क्या फाइंड करता है, फैक्टोरियल फाइंड करता है। अब एक चीज पे मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमने क्यों किया। देखिए आई में कितना था हमारा 5 था ना, तो 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है, देखिए 6 भी हो सकता था 10 भी हो सकता था, तो हमें इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना था, इसीलिए हमने 1 को इंक्लूड किया। ये बात अलग है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर, देखिए यहां जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो कहीं कहीं आप लॉजिक क्या देखेंगे, देखिए ये चीज जो है वो थोड़ा सा कहीं कहीं चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा क्या आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोई लिखेगा क्या आई इज ग्रेटर देन व्हाट 0, कोई लिखेगा क्या आई इज ग्रेटर देन क्या 1। क्यों आई इज ग्रेटर देन 1 मतलब 2 तक चलाना चाहता है, आई इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ वो 2 तक ही लेके जाना चाहता है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ इंटू 1, देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों 1 तक लेके जाएंगे, जबकि अगर हम ये कंडीशन यूज करते हैं तो ये क्या करेगा ये 1 नहीं करेगा। लेकिन 1 अगर यहाँ नहीं भी रहे तो भी आपको आउटपुट तो उतना ही देगा 120 ही देगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर तो वैल्यू को चेंजेस करने नहीं होते हैं, मतलब वैल्यू चेंज तो होगी नहीं। इसलिए इन तीनों में से आप कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, यहाँ पे पुट कर दिए इन तीनों को, आपका प्रोग्राम का रिजल्ट क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये है हमारा फैक्टोरियल प्रोग्राम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।